हाय गाइस, कैसे हैं आप। दिस इज अमित वाधवानी फ्रॉम डिजिटल कबाड़ डॉट इन। आज मैं आपके पास लेकर आया हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपने फ्री में डिजिटल स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट। हम आपको अपनी तरफ से डिजिटल ई कॉमर्स की वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिसका यूज़ करके आप सिंपल वे में अपने लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक वेबसाइट बना सकते हैं, और जो कस्टमर होगा आपकी वेबसाइट पर विजिट करके इजीली आपके प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। एंड यू कैन कंट्रोल एंड वॉच एवरीथिंग। तो बी रेडी, दिस इज अ wastore.com, wastore.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, साइन अप करना है, लॉगिन करना है, आपका एक स्टोर ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है, वेबसाइट्स की जो डिज़ाइन होगी, बहुत सारे आपको थीम्स मिल जाती हैं, आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो। सो रेडी, सी हाउ यू आर गोइंग टू गेट। सी, सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है wastore.com, क्रिएट अ डिजिटल स्टोर ऑनलाइन एंड ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलता है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास हैप्पी क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म में आपसे प्रोडक्ट बाय कर पाएंगे। आपका किस तरह से प्लेटफॉर्म बनेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। ठीक, अब यहाँ जैसे आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करने पर इस तरह से आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। मैं टाइम वेस्ट किए बिना यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करके रखा है आपके लिए मैंने। आपको वहाँ पे जाना है, रजिस्टर्ड करना है। दिस टाइप ऑफ डैशबोर्ड यू विल गेट। ठीक, यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि गुड आफ्टरनून ओनर, जो भी आपका नाम सेट होगा। यहाँ पे आपके जो वेबसाइट का लिंक बनेगा जो आपको कस्टमर्स को शेयर करना है। ठीक है, आप एक ही वेबसाइट, आपके एक ही अकाउंट में आप मल्टीपल स्टोर्स भी बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपका अलग अलग चीज़ है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट का स्टोर बना रहे हो, कोई आप कपड़े का स्टोर बना रहे हो, कोई जूते का स्टोर बना रहे हो, अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का स्टोर बना रहे हो, तो अलग अलग स्टोर्स आप बना सकते हो। चाहे तो एक ही के अंदर आप सारे प्रोडक्ट रख सकते हो। ठीक है, तो हमने ही एक ऐसा स्टोर बनाया हुआ है, जैसे आप ये देख सकते हो, सिंपल सा। ये सिंपल सा आपको दिखाने के लिए है कि जैसे कि ये हमारा ये स्टोर है, विस्प्रिंग के नाम से स्टोर है, ठीक, मुंबई में। कैटेगरीज हैं इलेक्ट्रॉनिक, लैपटॉप्स एंड सॉफ्टवेयर्स का इसने स्टोर बनाया है, छोटा सा। ठीक, अब जैसे कि बंदा है, ये स्टोर है हमारा, ठीक है। अब इसने स्टोर बनाया है तो यूजर को किस तरह से स्टोर दिखाई देगा ये आपको बता रहा हूँ। इस तरह से स्टोर्स बनते हैं। ठीक, इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे इसमें डिस्प्ले हो रहा है। कस्टमर अपना जाएगा, देखो कस्टमर के व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ, जैसे आप स्टोर बना लोगे तो कस्टमर अपने जो भी प्रोडक्ट उसको लेना होगा जाएगा यहाँ पे, अपने इन्फॉर्मेशन डालेगा और चेकआउट करेगा। उसको अगर चेकआउट करना है, ठीक, इजिली चाहो तो आप कूपन कोड भी दे सकते हो, एवरीथिंग यू कैन गिव टू कस्टमर। इजिली वो जो भी प्रोडक्ट उसको लेना होगा उस पर ऐड टू कार्ट करेगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो सिंपली नीचे जाएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा और क्लिक प्रोसीड टू चेकआउट करेगा। तो चेकआउट एज अ साइन अप कर सकता है, एज अ गेस्ट कर सकता है। तो जब वो चेकआउट करेगा तो उसके पास देखो ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, अगर चाहता है कि वो आपके नंबर पर ऑर्डर दे, कि ऑर्डर देना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि मैं ये ऑर्डर देना चाह रहा हूँ आपको और आपसे बात करना चाहता है, तो ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप, ऑर्डर ऑन टेलीग्राम। अगर डायरेक्ट पेमेंट करना चाहता है वो, तो पेटीएम, रेजर पे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप उसको देना चाहते हो, जो आप वहाँ पे इंटीग्रेट करोगे इजिली। तो इस तरह से कस्टमर परचेस कर लेगा। अब देखिए, कस्टमर जब परचेस करता है तो ये आपको डैशबोर्ड मिल रहा है आपको। देखो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऑर्डर्स लगा सकते हो। ये देखिए, जैसे मैंने ऑर्डर लगाया है यहाँ पे, तो देख सकता हूँ मुझे कितने ऑर्डर आए हुए हैं, मैंने कितना जनरेट किया है। डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो, डैशबोर्ड में इवन आप देख सकते हो कितने की सेल हुई है, कितने मेरे पास नए कस्टमर्स आए हैं, हाउ मेनी न्यू कस्टमर्स हैव विजिटेड इन माई वेबसाइट। ऑर्डर्स आप चेक कर, शॉप में जाके आप यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हो, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, अगर टैक्स आप ऐड करना चाहते हो टैक्स आप लगा सकते हो, कूपन दे सकते हो कोई ऑफर्स के तहत। कस्टमर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और प्लान्स बहुत सिंपल है, फ्री प्लान्स है यहाँ पे। और अगर आपको अपने अकाउंट्स को अपग्रेड करना है आगे फ्यूचर में, एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हो, तो आप प्लान्स भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। स्टोर्स की सेटिंग्स के बारे में अगर बता दूँ आपको मैं, तो स्टोर की सेटिंग्स में अगर जाते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का जो बनेगा आपका, वहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, लोगो चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे लोगों के बाद, अपने वेबसाइट का नाम, आपके ईमेल आप सेट कर सकते हो यहाँ पे,
डोमेन्स आप चेंज करना चाहते हो रख सकते हो, सब डोमेन रखना चाहते हो रख सकते हो आप, ठीक है, जैसे स्टोर माय स्टोर आप जो भी है अपना नाम रखना चाहते हो डोमेन का वो रख सकते हो, टैगलाइन रखना चाहते हो, एड्रेस रखना चाहते हो अपने वेबसाइट का, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भर सकते हो। इवन फेसबुक पिक्सल और गूगल एनालिटिक्स भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो तो कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, कौन कौन विजिट कर रहे हैं, तो फेसबुक पिक्सल से आप देख सकते हो जब आप ऐड चलाते हो तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी चीज़ें भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप का नंबर आप दे सकते हो, फेसबुक की लिंक दे सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हो, तो बंदा आपके ये सब सोशल मीडिया पे भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये देखो ये सब थीम्स होती हैं, अलग अलग थीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो डिज़ाइंस अपनी वेबसाइट के लिए, ये लोगो आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा देखो आपको पेमेंट अगर मान लो डॉलर में चाहिए और आप डॉलर रख सकते हो, इफ़ यू वांट टू टेक अ मनी इन रुपीस आप रुपीस रख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग भी कर सकते हो। देखो आपको पेमेंट किस में चाहिए, व्हाट्सअप पे तो व्हाट्सअप का आप यहाँ पे इनेबल कर दो, पेमेंट पेपल में चाहिए तो पेपल आप इनेबल कर दो, तो कस्टमर को सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करना है जो आपको यहाँ से जनरेट होकर मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो खुद का डोमेन है उस डोमेन पे ये रीडायरेक्ट हो जाए तो अभी हम करके देते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे ये वेबसाइट ऑटोमेटिक खुलेगी, लेकिन आप कंट्रोल यहाँ से करोगे, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी पर्सनल अच्छे खासे पैसा खर्चा मत करें वेबसाइट में, आपके 20-30-50 प्रोडक्ट्स हैं आप बेचना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हो। तो ये देखिए आपको अगर बता दूँ मैं यहीं पर, तो बिल्ड एंड मैनेज योर ऑनलाइन व्हाट्सअप स्टोर इफेक्टिवली विथ जीरो टेक्निकल स्किल, बिना किसी स्किल के आप अपने स्टोर ओपन कर सकते हो। अच्छा एक ही अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल स्टोर भी आप चला सकते हो, यहाँ पे यू कैन रन मल्टीपल स्टोर्स आप यहाँ पे चला सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यू कैन रन मल्टीपल स्टोर्स, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए आपको एक चीज़ और मैं समझा लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टोर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे देखिए बिल्ड एंड मैनेज एंड ग्रो योर स्टोर विद अ वन टूल एट अ अफोर्डेबल प्राइस, बहुत ही कम प्राइसेस लगते हैं इस पे। आगे मतलब बड़ा प्लान लेते हो तो आप ज़रा स्टोर्स ओपन करते हो तो अलग अलग प्लान्स भी हैं हमारे, तो बिल्ड योर ड्रीम स्टोर इन द मिनट, क्रिएट योर ऑनलाइन स्टोर, लिस्ट योर प्रोडक्ट सेल ऑन द गो, अपने प्रोडक्ट डालिए और बेचिए, बहुत ही ईजी तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट को अगर मुझे ऐड करना है, अगर मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है तो कितना इजी होता है प्रोडक्ट ऐड करना, ये भी आप देख लीजिए। सिंपली यहाँ पे जाऊँगा प्लस में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट का नाम, कौन सी कैटेगरी है, अभी मैंने कैटेगरी बनाई नहीं है, कैटेगरी पहले बना लूँगा कौन कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, दैट आई कैन जनरेट फ्रॉम हियर, ठीक है। बस इतना सिंपल है यार, अपने ईजिली आप प्रोडक्ट पूरा मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी ऑनलाइन स्टोर्स को ओपन कर सकते हो, विद इन हाफ एन आवर आपका ऑनलाइन स्टोर बनके तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप रीसेलर हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के बंदे हैं और चाहते हो कि ऐसी वेबसाइट आपको आपके लिए बना के दें ताकि आप दूसरे को मेंबरशिप दे पाओ, जैसे हम इसमें लोगों को ऐड कर रहे हैं और वो लोग अपने स्टोर चलाएंगे यहाँ पे, तो ऐसी अगर वेबसाइट आपको ही बनवानी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही wastore.com की तरह वेबसाइट आपके लिए भी हम वाइट लेबल करवा के दे सकते हैं, वी कैन डू अ वाइट लेबल आल्सो, तो ये बहुत ही इफेक्टिवली है, बहुत बढ़िया सिस्टम है ये। अगर आपको स्टोर ओपन करना है, अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, अच्छा जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं आपके, यू वांट टू सेल अ डिजिटल प्रोडक्ट्स, आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स का सिस्टम समझाता हूँ। जैसे मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ मुझे पेमेंट आ जाए, प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँच जाए, बीच में कुछ भी झंझट ना हो, तो कुछ मत करिए, जो प्रोडक्ट का आपका प्रोडक्ट का फाइल रहेगा, जो डिजिटल प्रोडक्ट आप देना चाहते हो उसकी फाइल आप यहाँ पे उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है जिप फाइल के फॉर्म में, तो जैसे ही प्रोडक्ट का पेमेंट आपके पास आएगा ऑनलाइन, प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगी, आपको बीच में कुछ भी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, मींस यू विल गेट अ पेमेंट, कस्टमर विल गेट अ डिजिटल प्रोडक्ट, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हो तो। इसके अलावा अगर फिजिकल प्रोडक्ट आप बेचते हो तो शिपिंग विपिंग का सबका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इवन आपका कब प्रोडक्ट डिलीवरी होने वाली है क्या है, तो सब इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक ऑटोमेटिकली यहाँ से पहुंच जाएगी। कस्टमर लॉगिन भी कस्टमर को ऑटोमेटिक मिल जाता है, जब वो आपके स्टोर पे लॉगिन करता है तो उसको अपने आप स्टोर मिल जाता है, सो कस्टमर कैन लॉगिन हियर, कस्टमर अपना लॉगिन पूरा देख सकता है, यहाँ से लॉगिन कर सकता है, यहाँ पे लॉगिन करने पर अगर उसका अकाउंट नहीं है तो वो रजिस्टर्ड भी कर सकता है, ही कैन रजिस्टर्ड एंड ही कैन यूज योर स्टोर, अपने स्टोर से आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। सो ये सिर्फ एक छोटा सा डेमो था आपको समझाने के लिए, बाकी इसके फीचर्स बहुत सारे हैं, आपको अगर इसके बारे में और जानना है कि कैसे आप स्टोर ओपन कर सकते हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, वी विल
इवन एनी डेस्क पे आके आपको पूरा स्टोर बना के देंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर। और अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट का स्टोर ओपन करना है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वन टाइम पेमेंट होता है उसको, आप वो प्रोडक्ट्स अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करके आप लाइफ टाइम बेच सकते हो, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे देंगे नीचे। सो टेक केयर, गुड बाय।